श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जयश्री पवार और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ हमारे गॉड मिल्किंग बफेलो फार्म पर। जब बारिश होती है फिर भी काम कैसे चलता है, और बहुत दिनों के बाद आज बारिश हुई है। और अभी यहाँ काका ने हमारे दूध भी निकाल लिया है, और अभी बहुत अच्छी सी बारिश आ रही है। इतनी ज़ोर से नहीं है, कभी ज़ोर से आती है कभी कम हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा माहौल बना है। तो अभी हम मिल्किंग करेंगे बफेलो मिल्किंग, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। आज सुबह से ही बहुत बारिश थी, और अभी हम पहुंच चुके हैं फार्म पर कृष्णा और मैं। तो कृष्णा और मुझे बस हम छाता नाम को लाए, क्योंकि हम दोनों को भी भीगना बहुत पसंद है, लेकिन सब गुस्सा ना हो जाए इसीलिए हम बस थोड़े उनको अच्छा लगे इसीलिए हमने ले लिया है। नहीं तो हम दोनों को तो बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। और ये बारिश है ना, अभी एक जैसी नहीं आ रही है, मतलब बीच बीच में रुक रही है, और यहाँ पे पूरा कीचड़ हो गया, और जब पैर ऐसा फंस गए जा रहे वहाँ पे तो निकल भी नहीं रहे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी है तो मैं धो लेती हूँ, और फिर भी हम लोगों का पूरा कोई काम नहीं रुकता बारिश की वजह से भी। और बहुत सारी गन्ने की कुटी कर ली है, उनको कट कर डाला भी है खाने को, और अभी देखो पूरा यहाँ पे भरा हुआ है उनके सामने, क्योंकि कड़वों ने आज बहुत जल्दी कुट्टी कर ली थी, थोड़ा सा ब्रेक मिला था बारिश में तो उन्होंने कर ली अकेले ही। और देखो पूरा का पूरा भर दिया है ये कुट्टी खाने के लिए उनको। अभी ये मज़े से कुट्टी खाएंगे और हम लोग बाकी काम करेंगे। तो ये बहुत कीचड़ हो गया है यहाँ पे, क्योंकि ये मिट्टी है ना पूरी, और बारिश कभी धीमी चलती है तो कभी तेज़ हो रही है। तो अभी हम मिल्किंग भी करने वाले हैं, तो उनके लिए खल्ली भी ले ली, लेकिन यहाँ से चलना मतलब कैटवॉक करना जैसे हो गया है अभी। तो अभी चलते उन हमारे चांदी की ओर, और बाकी का भी मिल्किंग शुरू है और इधर से उधर। और ये है ना जो बीच में, अभी उनको यहीं पे डाल रखा है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, उनकी जगह पे यही बांध दिया है। तो देखो कैसे करते हैं खल्ली खाने के लिए, तो उनको भी खिला दी अभी। और अभी ये डालेंगे हमारे चांदी, और बारिश रुकी नहीं रही, शुरू हुई है आज, और बहुत अच्छा लग रहा है। आज सुबह से बहुत दिनों के बाद बारिश आ रही है, लेकिन एक जैसी भी आ रही है, बीच पे हुई ब्रेक लेके आ रही है, मतलब थोड़ी आ रही है थोड़ी रेस्ट कर रही है फिर आ रही है। क्यों परेशान कर रहे हो? और इनको देखो ठंडी लग रही है, तो कैसे इनके बाल है जो खड़े हो गए अपने आप, ठंड लग रही है तुमको। और बारिश अभी रुकने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि रात को जो बारिश आती है वो जाती नहीं है, रात भर आती रहती है, और बारिश की बहुत ज़रूरत थी तो अभी आ रही है। लेकिन ऐसी बारिश चाहिए जोरदार से आती है तो नुकसान कर देती है, लेकिन ये धीरे धीरे से आती है तो ज़मीन में पानी का लेवल बहुत अच्छे से बढ़ाती है। तो इसलिए ऐसी बारिश ही चाहिए जो सुकून दे, शांति दे और खुशहाली लाए। और अभी मिल्किंग स्टार्ट की है मैंने, और अभी बारिश के दिन बारिश हो रही है तो सब चिपचिपाट हो गई है सब जगह पे, तो इसलिए यहाँ पे भी ये वगारू को भी अंदर लाया है, तो वो भी इधर से उधर आ रहे हैं उधर से उधर। और ये ऐसे टाइम पे मक्खियाँ भी बहुत हो जाती है, तो बेचारों को परेशानी होती है, उसके लिए भी कुछ करना होगा हम लोगों को। तो अभी तो पहला दिन है बारिश का, तो अभी देखते आगे। तो ये देखो कैसे कर रहा है, और इधर से आ रहा था पास में से, फटाफट से मिल्किंग फिनिश करना है अभी। और आज तो जब हम मिल्किंग कर रहे थे तो बफेलो का पाव मेरे पाव पे पड़ने वाला था, लेकिन थैंक गॉड वो मेरे पैरों में स्लीपर थी बड़ी वाली, तो वो मेरे पैर से आगे थी इसलिए मेरे पैर पे नहीं वो चप्पल पे गई।
जब मैं आराम से मिल्किंग कर रही थी तो ऐसे ही बफेलो का पैर उसने उठा लिया और मेरे पैरों पे गिर जाता तो मेरे पैर का तो आज कुचुंबर बन जाता। लेकिन थैंक गॉड ये स्लीपर पहनी थी मैंने तो इसीलिए, और इतना उसका पैर भारी है मैं खींचने भी लगी तो वो हिली भी नहीं मुझसे। फिर उसको हटाकर फिर मिल्किंग स्टार्ट किया, आज गॉड ने बचा लिया, नहीं तो मेरा पैर का क्या होता पता नहीं। ऐसे छोटे मोटे हाथ से होते रहते हैं हर जगह पे जहाँ पे हम काम करते हैं, कोई भी काम हो कोई भी सेफली नहीं होता, इसलिए अपने सुरक्षा के साथ काम करना चाहिए। लेकिन आज तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा पैर बच गया है, क्योंकि आपने तो देखा वहाँ पे तो पूरा उसका पैर मेरे पैरों पे, लेकिन वो चप्पल थी इसलिए बच गई। और अभी मिल्किंग फिनिश करते हैं फटाफट से। और यहाँ पे जो बारिश आ रही है तो ये अभी रुकेगी नहीं, रात भर चलेगी, क्योंकि मेरी दादी कहती थी कि जो बारिश रात को आती है वो बिल्कुल भी नहीं जाती, वो जैसे हमारे गेस्ट आते हैं ना जो रात को आते हैं वो जाते नहीं वापस, रुक जाते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ से ये बारिश भी नहीं जाएगी और बहुत मज़ा आएगा। फिर मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है और ज़रूरत भी है अभी हमारे पेड़ पौधों को और फसल को, तो अच्छा लगेगा। फिर आओ, हेलो माही, हेलो, बहुत क्यूट लग रही हो और तुम्हारा छाता भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो अभी हमारा यहाँ का मिल्किंग ख़त्म होने को आया है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार, अरे बारिश फिर से आ गई, बहुत सारी आ गई, तो अभी हम बारिश का मज़ा भी लेंगे और काम भी फिनिश करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।